बार हानिकारक कीटाणु हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हम किसी भी तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं। सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है। सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनल होता है। इस ऑर्गेनल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं। क्या आपको पता है इस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं? इसे लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनल को समझते हैं। हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है? आपने सही गैस किया। यहाँ लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनल खराब होते हैं, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगल कर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो लाइसोसोम सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? चलिए हमारे अगले वीडियो में सेल के पावर हाउस से परिचित होते हैं।